दोस्तों सबसे पहले आप इसे देखिए, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस इमेज को सितंबर 2003 से लेकर जनवरी 2004 के बीच में खींचा था। इस इमेज में हमें करीब 10,000 गैलेक्सीज देखने को मिलती है। इनमें से कुछ गैलेक्सीज से आ रही लाइट तो बिग बैंग के सिर्फ 40 से 80 करोड़ साल बाद की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की गई इस इमेज का नाम हबल अल्ट्रा डीप फील्ड रखा गया है और 11 जुलाई 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा रिलीज्ड इमेज के पहले तक ये यूनिवर्स की डीपेस्ट इमेज हुआ करती थी। साल 1990 में लॉन्च हुए हबल स्पेस टेलीस्कोप की कहानी इसी इमेज पर खत्म नहीं होती, बल्कि 30 साल से भी ज्यादा के सफर में हबल ने हमें 10 लाख से भी ज्यादा इमेजेस दिए हैं, जिसमें से इसने पृथ्वी से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया है, स्टार्स के बर्थ और डेथ को देखा है और हम इंसानों के सामने यूनिवर्स के हर कोने में छिपी खूबसूरती को अनकवर किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेवलपमेंट से लेकर इसके लॉन्च और रिपेयरिंग की अननोन स्टोरीज बताने वाला हूँ। साथ ही हम हबल के द्वारा कैप्चर की गई कुछ ऐसी इमेजेस के बारे में जानेंगे जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन का इतिहास बदल दिया। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए जानते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप की अनसुनी कहानी को। दोस्तों अब इससे पहले कि हम हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस यूनिवर्स की तस्वीरों को देखें, उससे पहले हमें हबल की हिस्ट्री और इसकी थोड़ी बहुत टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1946 में। अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर लाइमन स्पिट्जर जूनियर ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में उन्होंने बताया कि अगर हम इंसान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स एस्टैब्लिश करते हैं तो ये हमारे लिए ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से कई मायनों में बेहतर साबित होंगे। दोस्तों जब एक ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप स्पेस में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर इसमें काफी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल के लिए जब हम स्टार्स को देखते हैं तो वो हमें यहाँ धरती से ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, मतलब तारे हमेशा टिमटिमाते हैं जबकि रियलिटी में वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते। दूसरा बेनिफिट ये है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर मेजॉरिटी ऑफ अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप उसको भी कैप्चर करेगा और तब से ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स की ओर इंसानों ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। अब वैज्ञानिकों ने कुछ टेलीस्कोप्स बनाए और उन्हें लॉन्च भी किया। साल 1977 में यूएस कांग्रेस ने नासा के साथ मिलकर हबल स्पेस टेलीस्कोप को बनाने की फाउंडेशन रखी। इस टेलीस्कोप का नाम महान एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। अब दोस्तों हबल को बनाने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी इसके मिरर को बनाने की थी। इसे हीट रेजिस्टेंट ग्लास से बनाया गया था जिस पर 65 नैनोमीटर थिक एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाई गई थी और उस पर 25 नैनोमीटर थिक मैग्नीशियम फ्लोराइड की प्रोटेक्शन लगाई गई थी। अब इसके प्राइमरी मिरर का डायामीटर 2.4 मीटर्स का है और इसका वेट करीब 827 किलोग्राम्स है। अब जब लाइट इस प्राइमरी मिरर पर पड़ती है तो ये इसे एक सेकेंडरी मिरर की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। ऑप्टिकल ट्यूब पर प्लेस्ड इसका सेकेंडरी मिरर 0.3 मीटर डायामीटर का है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट को प्राइमरी मिरर के बीच मौजूद एक होल में पास कर देता है जहां इसकी इमेज बनती है। अब इसके बाद इसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की ओर भेज दिया जाता है। अब मैं यहां आपको बता दूं कि हबल में टोटल 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जिसमें 48 लाइट फिल्टर्स वाले प्लेनेटरी और वाइड एंगल कैमराज हैं। इसमें लगा हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ अल्ट्रा वायलेट लाइट को कैप्चर करके इमेजेस का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल है। हाई स्पीड फोटोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित वेरिएबल ब्राइटनेस वाले ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेसी के साथ कैप्चर कर सकते हैं और फाइन गाइडेंस सेंसर्स स्पेस में ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन के चेंज को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हबल के पीछे दिख रहे इस सिलेंड्रिकल सेक्शन में मौजूद है। इसके सेंटर में 6 जायरोस्कोप्स लगे हुए हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की ओर पॉइंट करते हुए इसमें सुइटेबल चेंजेस करते हैं और इसमें लगे 4 रिएक्शन व्हील्स इसकी ओरिएंटेशन को टारगेट के अनुसार बदलते रहते हैं। अब दोस्तों इसके सेंटर में 2 कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं। पहला कंप्यूटर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और दूसरा कंप्यूटर हबल के द्वारा कलेक्ट किए गए सारे डेटा को प्रोसेस करके उसे पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों तक पहुंचाता है। नाउ हबल स्पेस टेलीस्कोप की दोनों तरफ 12.1 x 2.5 मीटर डायमेंशन वाले 2 सोलर एरेज लगे हुए हैं। ये सोलर एरेज सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट हबल में मौजूद बैटरीज में स्टोर हो जाता है क्योंकि पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते हुए कुछ समय के लिए ये
सूरज की अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है और उस समय में इसके सोलर एरेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाते। हबल स्पेस टेलीस्कोप हर दिन पृथ्वी के अराउंड 27,350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है और यार इसके लिए उसे सिर्फ और सिर्फ 2100 वाट्स ऑफ पावर की जरूरत होती है, यानी कि इतने बड़े टेलीस्कोप को देखते हुए ये पावर कुछ भी नहीं है। 24 अप्रैल 1990 को डिस्कवरी स्पेस शटल की मदद से इस टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया गया था। हबल धरती की सरफेस से 550 किलोमीटर ऊपर लोअर ऑर्बिट में घूमता है। अब यार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ही तरह हर इंसान हबल की फर्स्ट इमेजेस का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, पर जब ये इमेजेस आई तो ये ब्लर थी। अब ये देखकर वैज्ञानिकों का हौसला टूट सा गया, लेकिन बाद में यहाँ पता चला कि हबल के प्राइमरी मिरर में थोड़ा सा डिफेक्ट है और इसी के कारण इसकी इमेजेस ब्लर हो रही है। नाउ इस डिफेक्ट को स्पेस मिशन के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर सही करवाया गया और आज ये 30 साल से भी ज्यादा समय से अपनी सर्विसेज दे रहा है। एक ह्यूमन आई के कंपैरिजन में हबल स्पेस टेलीस्कोप 1000 करोड़ गुना ज्यादा सेंसिटिव है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह ही हबल भी इमेजेस को ब्लैक एंड व्हाइट में ही कैप्चर करता है और इसके बाद इन्हें साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके कलर किया जाता है। तो चलिए अब दोस्तों हम नजर डालते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई कुछ बेमिसाल तस्वीरों पर। दोस्तों पृथ्वी से करीब 7000 लाइट ईयर्स दूर सेरपेंस कॉन्स्टिलेशन में स्थित ईगल नेपुला के इस इमेज को देखिए। इसे साल 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से ही कैप्चर किया गया था और इसका नाम पिलर्स ऑफ क्रिएशन रखा गया है। अब ये इमेज ना सिर्फ यूनिवर्स की सुंदरता को दिखाती है बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि गैस और डस्ट के इन क्लाउड्स में लाखों करोड़ों नए स्टार्स जन्म ले रहे हैं और मैसिव स्टार्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं। अब दोस्तों जरा इसे देखिए, ये है बटरफ्लाई नेब्यूला। पृथ्वी से 3400 लाइट ईयर्स दूर स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन में स्थित इस ऑब्जेक्ट को NGC 6302 के नाम से जाना जाता है। साल 2009 में इसके सेंटर में एक वाइट ड्वार्फ होने का पता चला था जो बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट को एमिट कर रहा है। अब इस नेबुला के विंग्स का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस है और ये स्पेस में 9,65,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से घूम रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं टैडपोल गैलेक्सी की। पृथ्वी से 42 करोड़ लाइट ईयर्स दूर ड्रैको कॉन्स्टिलेशन में स्थित इस गैलेक्सी का शेप हमें किसी टैडपोल की तरह लगता है। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 10 करोड़ साल पहले एक छोटी गैलेक्सी इस गैलेक्सी से टकराई थी जिसके मर्जर के कारण इस गैलेक्सी को अपनी टेल मिल गई। टैडपोल गैलेक्सी की इस इमेज में हमें करीब 6000 बैकग्राउंड गैलेक्सीज भी देखने को मिलती है। अब दोस्तों जरा पृथ्वी से 29 करोड़ लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टिलेशन कोमा बेरिनाइसिस में स्थित ये स्पाइरल गैलेक्सीज देखिए। इन्हें माइस गैलेक्सीज के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दूं कि ये दोनों गैलेक्सीज कोलाइड होने की कगार पर हैं और इनका हाल ठीक वैसा ही होने वाला है जैसा एक दिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी के टकराने पर होगा। अब दोस्तों आप इसे देखिए, इसका शेप आपको किसी स्वैन की तरह लग रहा है ना। ये पृथ्वी से 5,500 लाइट ईयर्स दूर सजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन में स्थित ओमेगा नेब्यूला है। करीब 40 लाइट ईयर्स में फैले इसके इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड का मास हमारे सूरज से 30,000 गुना ज्यादा है और इसे मिल्की वे का मैटरनिटी वार्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई नए तारे जन्म ले रहे हैं। अब दोस्तों ये सब तो हमारे काफी करीब है राइट, तो चलो अब आपको यूनिवर्स में काफी दूर लेकर चलते हैं। दोस्तों पृथ्वी से 500 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित इस गैलेक्सी क्लस्टर को देखिए। इसका नाम है एबल 370 और इसमें आपको 100 से भी ज्यादा गैलेक्सीज दिखाई दे रही है। इस इमेज को साल 2009 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ही लिया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि साल 2009 में ही इस गैलेक्सी क्लस्टर में बैकग्राउंड गैलेक्सीज की इमेजेस को देखा गया था जो कि काफी फेंट नजर आ रही थी। अब ये इमेजेस ग्रेविटेशनल लेंजिंग के कारण दिखाई दे रही थी, मतलब कि एबल 370 अपनी बैकग्राउंड गैलेक्सीज के लिए एक लेंस की भूमिका निभा रहा था। ये पहली बार था जब हमने किसी गैलेक्सी क्लस्टर में लेंजिंग इफेक्ट को देखा था और ये हबल के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया था। अब दोस्तों ARP 143 की इमेजेस को देखकर तो भाई आप सच में हैरान रह जाओगे। पृथ्वी से 19.1 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित ये दो गैलेक्सीज NGC 2444 और NGC 2445 की इमेजेस हैं, जो कि हेड ऑन कोलिजन कर रही है। ये एक दूसरे के थ्रू आउट पास होकर एक ट्रायंगुलर फायर स्ट्रॉम का फॉर्मेशन कर रही है जो कि हजारों नए स्टार्स को जन्म दे रहा है। अब दोस्तों इतने दूर से थोड़ा सा करीब आते हैं।
हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सोलर सिस्टम के भी कुछ बेहद स्टनिंग इमेजेस कैप्चर किए हैं, जिनमें से ये वाली इमेज बहुत ही खास है। इसमें आपको जुपिटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरास दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने आज तक 10 लाख से भी ज्यादा इमेजेस को कैप्चर किया है, एंड ऑब्वियसली उन सभी इमेजेस को एक ही वीडियो में दिखाना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दोस्तों, अगर आप हबल के द्वारा कैप्चर किए गए ऐसे ही ढेर सारे इमेजेस को देखना चाहते हो तो आप हबल के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है, और इसका सक्सेसर यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसकी लेगेसी को आगे ले जाने के लिए तैयार है। वैज्ञानिकों की माने तो हबल अभी भी कुछ साल ऐसे ही इमेजेस कैप्चर करता रहेगा, एंड आई होप कि ये कुछ साल कभी भी खत्म ना हो। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते जाना, मुझे ये बताओ कि सर एडविन हबल आखिर कौन सी चीज की डिस्कवरी के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुए थे? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताओ, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।